आ जाओ मेरे पढ़ाकू, मेरे बेटा आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक साथ में शुरू कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ बच्चों के स्कूल्स में ये अभी स्टार्ट कर दिया है। मुझे वैसे समझ में नहीं आता कि स्कूल वाले ऐसा क्यों करते हैं कि सीक्वेंस में कराने की बजाय कभी कुछ। खैर चलो, वो उनका अपना मैटर है, परेशान मत होइए। मैं आपके लिए 4-5 एपिसोड में EM वेव पढ़ाऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट और बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स। तो खैर, यदि EM वेव आपके भी स्कूल में एग्जाम में आ रहा है तो लौट आइए ठीक 30 सेकंड बाद। डिस्प्लेसमेंट करंट। आज का पूरा वीडियो डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिक समझाने में और उसका डेरिवेशन कराने में जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको पता होने जरूरी है। आपको पता है मेरी आदत कि जब तक पूरा बेसिक क्लियर ना हो तब तक आगे पढ़ाने में मजा ही नहीं आता। तो सुनिए बेटा, हर पॉइंट का हल्का हल्का सा टच दूंगा जिसकी आज जरूरत पड़ेगी। मेरे बेटा पॉइंट नंबर 1, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से जा रहा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा EA cos थीटा। E क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। A है सरफेस का एरिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच का एंगल है थीटा। लेकिन तब क्या होगा यदि बेटा हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है? तो मेरे बेटा तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E into A। आज इन सब की जरूरत पड़नी है तो पहले बेसिक पॉइंट समझ लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E into A। क्यों? क्योंकि सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो cos 0 हो गया 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बेटा E into A। पॉइंट नंबर 3, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में एक एम्पियर सर्किटल लॉ है। गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा था हर चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसी तरह से हर करंट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। दरअसल मैग्नेटिक फील्ड कहते किसे हैं? मैंने यहां पर एक कंपास रखा, कंपास इधर घूम गया, कोई तो शक्ति है, कोई तो ताकत है जो इसे घुमा रही है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास पर असर डाल रही है। यदि कंपास की नीडल डेविएट हो गई, अब जैसे आपने सुना होगा अर्थ के केस में कोई भी कंपास हो नॉर्थ साउथ में ही रुकती है। मैं यदि हल्का सा घुमा दूं वो फिर नॉर्थ साउथ में आ जाएगी, हल्का सा इधर घुमा दूं और फिर नॉर्थ साउथ में आ जाएगी। यानी अर्थ मैग्नेट्स पर अपना असर डाल रही है, इसी को कहते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा हर करंट कैरिंग वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। यदि किसी वायर में से करंट जा रही है, करंट नहीं है, आप इसके पास एक कंपास रखो, कंपास अर्थ के फील्ड के कारण नॉर्थ साउथ में रुकेगी। बेटा यदि आप इसमें करंट पास कर दो, करंट के पास करते ही कंपास डेविएट हो जाएगी, यानी कि हर करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। करंट कैरिंग वायर के आसपास रखी हुई कंपास घूम जाएगी। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, क्या फॉर्मूला है, वो आप पढ़ेंगे बेटा आप चैप्टर मैग्नेटिज्म में। इस समय सिर्फ उतना बता रहा हूं जितना EM वेव चैप्टर के लिए जरूरी है। तो हर करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, आसपास रखी कंपास को घुमाता है। अच्छा, करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, उसका फॉर्मूला दिया था एम्पियर ने, जिसे कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? जिस तरह से गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस पर लगती है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज पाथ में लगती है। यदि किसी क्लोज पाथ के अंदर से आई करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है इंटीग्रल BdL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या है? करंट पासिंग थ्रू द लूप। यदि लूप में से एक और करंट चली जाए बिल्कुल बराबर की तो म्यू नॉट 2I। एक और करंट चली जाए लूप के अंदर से तो म्यू नॉट इंटू 3I। एक और करंट उसके बराबर की चली जाए तो म्यू नॉट इंटू 4I।
बाहर से करंट चली गई उसे मत देखना, जैसे गॉस थ्योरम में सिर्फ वही चार्ज देखते हैं जो सरफेस के अंदर बंद है, तो एम्पियर सर्किट लॉ में सिर्फ वही करंट्स देखते हैं जो मेरे लूप के अंदर से जा रही हैं, है? तो मेरे बेटा यहां तक आप समझ गए, तो एक बात तो पक्की हो गई, यदि लूप के अंदर से करंट जाएगी तो लूप पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहां आई क्या है, टोटल करंट थ्रू द लूप, लूप में से जाने वाली कुल करंट। पॉइंट नंबर फोर, यदि किसी लूप के अंदर से करंट जाए ही ना, किसी पाथ के अंदर से करंट जाए ही ना, तो बेटा वहां मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? आई जीरो तो राइट हैंड साइड जीरो, यदि राइट हैंड साइड जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में डीएल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपके पास एक लूप है तो उसमें एलिमेंट्स भी होंगे, यदि लूप है तो उसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे और वही एलिमेंट है डीएल, तो डीएल जीरो हो नहीं सकता, तो फिर गारंटेड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। एक बार फिर से सुन, इस लूप के अंदर से कोई करंट नहीं जा रही, यदि कोई करंट नहीं जा रही तो आई जीरो तो राइट हैंड साइड जीरो, यदि मेरे बेटा राइट हैंड साइड जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो जीरो होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में दो ही चीजें हैं बी और डीएल, जिसमें से डीएल जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास एक लूप है तो उसका एलिमेंट भी है डीएल भी है, और डीएल जीरो नहीं हो सकता तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो समझ लो एम्पियर के हिसाब से, एम्पियर के अकॉर्डिंग यदि किसी लूप के अंदर से करंट ना जाए तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। बस यही तो फेल हो गया। अच्छा एक दो फॉर्मूले और जरूरत पड़ेंगे, वो बता दूं मैं, I is equal to dq by dt, पुराना फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ाया था मेरे बेटा, किसी भी कैपेसिटर के अंदर यदि कैपेसिटर की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E is equal to sigma upon epsilon naught। देख बेटा पहला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला EA cos theta, यदि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला E into A। एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से बताया किसी लूप के अंदर से करंट जाएगी तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि आप यहां पे कंपास रखोगे तो वो कंपास डेविएट हो जाएगी, करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो, किसी कंपास को इन्वर्टर के वायर के पास ले जा करके देखना, वो घूम जाएगा, तो ये होगा। अच्छा किसी लूप में से करंट नहीं जाएगी तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे कंपास रखूंगा तो नहीं घूमेगा। आई का फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी, यदि कहीं पे चार्ज बदलता है तो करंट पैदा होती है, चार्ज फ्लो करता है तो करंट पैदा होती है। अब मेरे बेटा यहां मेरे पास आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है, तो जवाब है चार्ज पर यूनिट एरिया। सारी बात समझ ली? अब मैं आपको ये सारे रिवाइज कर लेना, पॉज करके दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि इन सब का यूज मेरे आज के टॉपिक में होता है। एम्पियर सर्किट लॉ फेल हो गया था, दरअसल मैक्सवेल ने पता लगाया कि एम्पियर सर्किट लॉ में गड़बड़ है, वो एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, एक कैपेसिटर को उन्होंने बैटरी के साथ अटैच किया और अटैच करके स्विच लगा दिया, अभी कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है, कहीं पर कोई करंट नहीं है, उन्होंने कंपास रख के देखा, कंपास अर्थ के फील्ड की डायरेक्शन में रुका, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुका, चाहे यहां रखा या यहां रखा कंपास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अचानक उन्होंने, यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अचानक उन्होंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही बैटरी से करंट चल के कैपेसिटर को चार्ज करने पहुंची, कैपेसिटर पर चार्ज आने लगा, बैटरी चार्ज दे रही है, चार्ज के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगा, जब ये बैटरी ने और चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा, बैटरी ने और चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से यहां फ्लक्स बढ़ने लगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है E into A, तो ये इस समय जब तक कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हो जाता तब तक ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। बेटा अब उन्होंने प्रैक्टिकल करा, एक कंपास इस जगह पर रखा, उन्हें उम्मीद थी कि ये डेविएट होगा, क्योंकि बेटा इस लूप के अंदर से करंट जा रही है
और यदि इस लूप के अंदर से करंट जा रही है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एम्पियर के हिसाब से, और यदि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कंपास डेविएट होगा। लेकिन आश्चर्यचकित वो तब रह गए कि यहां पर उन्होंने इस इलाके में इस जगह पर एक कंपास रखा, वो भी डिफ्लेक्ट हो गया। यहां रखा कंपास करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना, उससे डिफ्लेक्ट हुआ। यहां तो कोई करंट ही नहीं थी, यहां कोई करंट ही नहीं थी, फिर भी कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। यानी कि बेटा एम्पियर सर्किट लॉ में गड़बड़ है। एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि यदि करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, कंपास नहीं घूमेंगे। कंपास का एग्जांपल मैं जान के ले रहा हूं, उससे आप आम भाषा में मैग्नेटिक फील्ड को समझ पाते हो कि कंपास घूम गया तो मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन मैग्नेटिज्म में बताऊंगा। तो मेरे बेटा करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एम्पियर सर्किट लॉ तो ये कहता था। लेकिन यहां पर तो यहां इन दोनों के बीच में करंट थोड़ी है बेटा, मेटल का वायर बस यहां से यहां तक है, कैप बैटरी ने चार्ज दिया और वो कैपेसिटर तक जाके रुक गया, बीच में चार्ज थोड़ी जाता है। तो यहां जब चार्ज नहीं है, करंट नहीं है, तो कंपास क्यों घूमा? ये था एम्पियर सर्किट लॉ का फेलियर। इसका जवाब दिया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा कि इस यहां पर एक वर्चुअल करंट है। मैक्सवेल ने कहा इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक करंट है और वो करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने के कारण पैदा हुई। तुम देख रहे हो बैटरी से लगातार चार्ज आ रहा है, चार्ज के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है, और यदि फ्लक्स बदल रहा है तो यहां करंट है। तो चार्ज के फ्लो से बनने वाली करंट तो कहलाती है रियल करंट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से बनने वाली करंट, ऑब्वियसली आप जिंदगी में आज पहली बार सुन रहे हो तो याद रखना, चार्ज के फ्लो से भी करंट बनती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से भी करंट बनती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से बनने वाली करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब वो कहने लगे, मैक्सवेल ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का कारण करंट है, इस लूप के अंदर से करंट जा रही है, इसलिए यहां मैग्नेटिक फील्ड बना और कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। इसके अंदर से रियल करंट तो नहीं जा रही, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं जा रहे, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरी करने से यहां पर एक करंट पैदा हुई और वो करंट कहलाई डिस्प्लेसमेंट करंट। उसी करंट ने कंपास को डेविएट किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब क्वेश्चन आता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है कितनी? तो उसके लिए आपको पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है T टू A, थीटा जीरो का केस है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स है E टू A। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पहले ही बता दिया था बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन टू A। सिग्मा क्या है बेटा? चार्ज पर यूनिट एरिया इन टू एप्सिलॉन नॉट इन टू A। तो एरिया से एरिया कट गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बेटा चार्ज हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ रहे हो बेटा, इस दोनों प्लेट्स के बीच में बेटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया इनटू ए, ई होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी Q अपॉन ए, ए से ए कट गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब करंट क्या होती है? तो जवाब है dQ / dt। करंट होती है dQ / dt, यानी d / dt ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने Q की जगह ये रख दिया एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इससे जो करंट पैदा हुई, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया और रह गया d phi e / dt। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से बनने वाली करंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से बनने वाली करंट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और यहां आईडी लगा देते हैं। तो मेरे बेटा यहां कौन सी करंट है? यहां रियल करंट है जो चार्ज के फ्लो से बन रही है, बैटरी से आने वाला चार्ज बह रहा है और करंट बना रहा है। यहां कौन सी करंट है? तो जवाब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने से बनने वाली करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से करंट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं और फिर बताऊंगा मैक्सवेल ने एम्पियर के रूल को मॉडिफाई करना पड़ा, उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। पहली बात, पहला पॉइंट ये है, पॉइंट टू रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट करंट वही बनेगी जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा।
तुम बताओ यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशियल जीरो, और उसका डिफरेंशियल जीरो तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो। यानी बेटा यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो ही बार वेरी करता है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है धीरे धीरे वो बैटरी से चार्ज आता है, तो जब चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट करंट बनती है। दूसरा तरीका है डिस्चार्ज। मान लो ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, मैं बैटरी हटा के डायरेक्ट जोड़ दूं, बैटरी हटा के डायरेक्ट जोड़ दूं, तो यहां से निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव को खत्म करने के लिए चला जाएगा, तो अंदर चार्ज कम, प्लेट्स का चार्ज रिड्यूस होने लगेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिड्यूस होने लगेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिड्यूस होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगी। यानी या तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा हो चार्जिंग के समय तब डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगी, या चार्ज कम हो रहा हो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो तब करंट बनेगी डिस्प्लेसमेंट करंट। और यदि चार्ज कांस्टेंट है, मान लो कैपेसिटर पे ना चार्ज आ रहा ना जा रहा, ना चार्ज बढ़ रहा ना कम हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है। यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। दूसरी बात, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा रियल करंट के बराबर होती है, यानी जितनी करंट यहां होगी रियल उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करंट यहां आएगी। यदि यहां 10 एम्पीयर की रियल करंट है तो यहां 10 एम्पीयर की डिस्प्लेसमेंट करंट है, यहां 10 एम्पीयर की रियल करंट है। 10 एम्पीयर सिर्फ एक उदाहरण के लिए बोला है, मतलब जितनी करंट यहां उतनी यहां उतनी यहां, यानी ये कंटिन्यूटी को फॉलो करती है। इसके ऊपर एक अलग लेक्चर बनेगा जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटिन्यूटी ऑफ करंट के बारे में कि क्या है। फिलहाल आप डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में समझ गए होंगे, तो मेरे बेटा और इसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियोस में। आज मुझे बेसिक बेसिक बताना था। ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखिए, और खास तौर से जिन्होंने अभी मैग्नेटिज्म नहीं करा है उन्हें तो एम्पियर सर्किट लॉस याद भी करना पड़ेगा। ओ एक बात रह गई बतानी, एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? तो जवाब है, वहां आपने देखा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये है एम्पियर सर्किट लॉ। मैक्सवेल ने इसमें सुधार किया, उन्होंने कहा एम्पियर सर्किट लॉ ये नहीं होना चाहिए, एम्पियर सर्किट लॉ होना चाहिए आई प्लस आई डी, यानी बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट को भी रियल करंट के साथ कंसीडर करना चाहिए, ये कहलाता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। तो ठीक है बेटा, बाय बाय मेरे पढ़ाकों, और पढ़ाकों किस लिए, लास्ट तक देखा इसलिए।